हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन ऑन माय चैनल। सो गाइस, आज हम कॉलेज ऑफ आर्ट 2020 के थ्योरी क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। जिन भी स्टूडेंट्स ने 2020 में ये एग्ज़ाम दिया होगा, वो इस क्वेश्चन पेपर को जरूर पहचान जाएंगे। जिन भी स्टूडेंट्स का 2020 में एडमिशन हुआ था, उन सबको इसी थ्योरी पेपर के बेस पर एडमिशन लिया गया था। तो चलिए अब क्वेश्चन पेपर को देख लेते हैं। यहाँ लिखा है दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट 2020। पहला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो इसका राइट आंसर है 1935। क्वेश्चन नंबर दो है, मोनालिसा पेंटिंग किस संग्रहालय से संबंधित है? इसका यहाँ राइट आंसर है लूर म्यूजियम। क्वेश्चन नंबर तीन है, फीमर हड्डी शरीर के किस अंग में पाई जाती है? इसका सही आंसर है टांग। क्वेश्चन नंबर चार है, दांडी मार्च की मूर्ति कला किसके द्वारा बनाई गई? इसका यहाँ सही आंसर है डीपी राय चौधरी। क्वेश्चन नंबर पाँच है, वंदे मातरम कब लिखा गया है? वंदे मातरम कब लिखा गया था? तो इसका यहाँ राइट आंसर है 7 नवंबर 1875। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, GIF का पूर्ण रूप क्या है? ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। क्वेश्चन नंबर सात है, अशोक स्तंभ में कितने शेर देखे जा सकते हैं? तो इसका यहाँ राइट आंसर है 4 शेर। क्वेश्चन नंबर आठ है, अनीश कपूर है मतलब अनीश कपूर क्या है, यहाँ ये बताना है। तो इसका सही उत्तर है ब्रिटिश भारतीय मूर्तिकार। क्वेश्चन नंबर नौ है, स्वतंत्र भारत के पहले कानून और न्याय मंत्री कौन थे? तो इसका यहाँ राइट आंसर है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर टेन है, उदयगिरी गुफा किस धर्म से संबंधित है? हिंदू और जैन धर्म। क्वेश्चन नंबर इलेवन है, RGB कलर क्या है? इसका राइट आंसर है रेड ग्रीन और ब्लू। क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व है, मूवेबल टाइप का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो इसका यहाँ राइट आंसर है B.Sheng। क्वेश्चन नंबर 13 है, कैलीग्राफी का उदय किस देश से हुआ? तो इसका यहाँ राइट आंसर है चीन। क्वेश्चन नंबर 14 है, SH रजा किस समूह के थे? तो इसका यहाँ राइट आंसर है प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप। क्वेश्चन नंबर 15 है, बामियान गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो इसका यहाँ राइट आंसर है अफगानिस्तान। क्वेश्चन नंबर 16 है, राजा रवि वर्मा ने अपने चित्रों को छापने के लिए किस तकनीक का इस्तेमाल किया? तो इसका यहाँ राइट आंसर है ओलियोग्राफ। क्वेश्चन नंबर 17 है, अर्धनारीश्वर किस देवता का प्रतीक है? ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो इसका यहाँ राइट आंसर है शिव और पार्वती। क्वेश्चन नंबर 18 है, पिकासो द्वारा गुर्णिका किस वर्ष बनाई गई? तो इसका यहाँ राइट आंसर है 1937 में ये बनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 19 है, गहरे रंग की पेंसिल के लिए कौन सी पेंसिल का उपयोग किया जाता है? तो मैं आपको यह बता दूं, पेंसिल तो बहुत सारी होती है डार्क कलर की, बट जो ऑप्शन में थे तो उसमें सबसे डार्क है 6B। क्वेश्चन नंबर 20 है, महल स्टिक एक कलाकार द्वारा किसके लिए प्रयोग की जाती है? इसका यह राइट आंसर है स्मजिंग के लिए। क्वेश्चन नंबर हमारा 21 है, गांधार स्कूल ऑफ आर्ट में किस पत्थर का इस्तेमाल हुआ? तो इसका यहाँ राइट आंसर है ग्रे बलुआ पत्थर। क्वेश्चन नंबर 22 है, नमक का वैज्ञानिक नाम क्या है? ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका यहाँ राइट आंसर है सोडियम क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 23, WHO का पूर्ण नाम क्या है? ये भी इजी क्वेश्चन है, तो इसका यहाँ राइट आंसर है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 24 है, अजंता पेंटिंग किस धर्म से संबंधित है? इसका राइट आंसर है बौद्ध धर्म। क्वेश्चन नंबर 25 है, कोणार्क मंदिर किस देवता को समर्पित है? इसका यहाँ राइट आंसर है सूर्य। क्वेश्चन नंबर 26 है, किस शहर को हैप्पी सिटी घोषित किया गया है? इसका सही उत्तर है चंडीगढ़। क्वेश्चन नंबर 27 है, स्टैचू डांसिंग गर्ल किस संग्रहालय में है? इसका सही उत्तर है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत में स्थापित होने वाला पहला कला संस्थान कौन सा था? इसका यहाँ सही उत्तर है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स। क्वेश्चन नंबर 29 है, लास्कोक्स गुफाएं कहाँ स्थित है? इसका यहाँ सही उत्तर है फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 30 है, ऑयल कलर की तुलना में एक्रेलिक कलर का क्या फायदा है? तो इसका यहाँ सही उत्तर है जल्दी सूखता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, पहली भारतीय कलर फिल्म का नाम क्या है? पहली भारतीय कलर फिल्म है हमारी किसान कन्या। व्हाट्सअप किसने बनाया, मतलब जो हम व्हाट्सअप यूज करते हैं वो किसने बनाया है? तो इसका यहाँ सही उत्तर है जॉन कॉम और ब्रायन एस्टन। क्वेश्चन नंबर 33 है, वह कलाकार जिन्होंने शुरुआती शिक्षा फ्रांस से ली? इसका सही उत्तर है पॉल सेजान।
क्वेश्चन नंबर 34 है, इस वर्ष कौन सा आंदोलन 50वां हो जाएगा? मतलब इस वर्ष की बात हो रही है, तो ये 2020 का क्वेश्चन पेपर है, तो उस हिसाब से क्वेश्चन पूछा गया था। तो 2020 में कौन सा आंदोलन 50वां हो जाएगा? इसका सही उत्तर है पृथ्वी दिवस। क्वेश्चन नंबर 35 है, देवनागरी लिपि में कितने स्वर तथा व्यंजन हैं? इसका सही उत्तर है 11 स्वर 41 व्यंजन। क्वेश्चन नंबर 36 है, इनमें से कौन सी राजा रविवर्मा की कृति नहीं है? तो इसमें 4 ऑप्शन होंगे, तो उसी हिसाब से हमें बताना है कौन सी कृति राजा रविवर्मा की नहीं है। तो इसका सही उत्तर है तारों वाली रात। क्वेश्चन नंबर 37 है, उस्ताद मंसूर ने जहांगीर के लिए कौन सी प्रसिद्ध पेंटिंग बनाई? इसका सही उत्तर है बाज पक्षी। क्वेश्चन नंबर 38 है, टेराकोटा से क्या बनाया जाता है? तो इसका यहाँ सही उत्तर है मिट्टी के बर्तन। क्वेश्चन नंबर है 39, कौन सा कलाकार यूरोप में शिक्षा ग्रहण करने गया था? इसका सही उत्तर है सूजा। क्वेश्चन नंबर 40 है, स्टेंसिल का प्रयोग किस प्रकार के कार्य में किया जाता है? इसका सही उत्तर है सेरीग्राफी। क्वेश्चन नंबर 41 है, भारतीय मुद्रा 1 रुपये का डिज़ाइन किसने किया था? इसका सही उत्तर है अनिल सिन्हा। क्वेश्चन नंबर है 42, कौन सा कर्म सही है? तो इसमें 4 ऑप्शन होंगे, तो इसमें ऑप्शन तो नहीं है, मैंने यहाँ पे सीधा आंसर डाल दिया है। तो इसका सही उत्तर है रिलीजियम, इंप्रेशनिज्म, क्यूबिज्म, दादाइज्म। क्वेश्चन नंबर 43 है, पूरी दुनिया में संचार का सबसे तेज और सस्ता साधन कौन सा है? तो इसका यहाँ सही उत्तर है ईमेल। क्वेश्चन नंबर 44, लखनऊ कला महाविद्यालय के प्राचार्य कौन थे? तो इसका यहाँ सही उत्तर है आलोक कुमार। क्वेश्चन नंबर 45, सफ़ेद संगमरमर किस रूप का है? तो इसका यहाँ सही उत्तर है कैल्साइट। तो ये था आज का क्वेश्चन पेपर, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको इनमें से कितने आंसर्स आते थे।